और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा में एक माह के लिए लगाई गई निषेधाज्ञा पर अहम अपडेट आपको दे देते हैं। एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत ने फर्स्ट इंडिया को बताया, निषेधाज्ञा आदेशों से फिल्म द कश्मीर फाइल्स अप्रभावित, सिनेमा हॉल जाकर या घर पर पूर्ववत देखी जा सकती है फिल्म। केवल सिनेमा में शो के बाद के किन्हीं हालातों के अंदेशे की दशा में आदेश अंतर्निहित है। निषेधाज्ञा आदेशों से फिल्म के प्रदर्शन के प्रभावित होने की बातें भ्रामक हैं। तो जो धारा 144 की बात की जा रही थी, कहा गया है कि धारा 144 लगाई गई है, इन आदेशों से फिल्म के प्रदर्शन के प्रभावित होने की बातें भ्रामक हैं। ये सिर्फ इसलिए लगाई गई है कि जो हालात दिखाए गए हैं शो के बाद, उस तरह के किसी तरह के हालात जो है वो पैदा ना हो, इसलिए ये आदेश दिए गए हैं। अब भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, ये बात भी साफ की है कलेक्टर ने, उन्होंने कहा है कि ये माफ कीजिएगा, एसपी सिटी केसर सिंह ने ये बात साफ की है कि क्यों इस तरह के आदेश दिए गए हैं और क्या इसका फायदा है, इस चीज को उन्होंने क्लियर किया है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये जो निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है, ये आदेश बिल्कुल भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जो शोज हो रहे हैं, जो प्रदर्शन हो रहा है फिल्म का, उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। बल्कि ये आदेश केवल पोस्ट शो जो स्थितियां बनती है, वहां अगर किसी तरह का टेंशन तनाव होता है, हंगामा होता है, वहां अगर जनसमूह इकट्ठा होता है, तो उन स्थितियों में स्थिति नियंत्रित करने के लिए और वहां ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती, इस अंदेशे में ये आदेश जारी किए गए हैं। तो किसी प्रकार का जो भ्रामक प्रचार है उसमें किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिल्म आप कोई भी दर्शक जो देखना चाहे वो हॉल में देख सकता है, घर पे बैठ कर देख सकता है, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। लेकिन एक महीने तक जो निषेधाज्ञा आदेश है कोटा में 21 अप्रैल तक, वो पूर्ववत जारी रहेंगे। मोटे तौर पर जो त्यौहार आ रहे हैं, चेटीचंड आ रहा है, महावीर जयंती आ रही है, बैसाखी आ रही है, जमातुल विदा का त्यौहार भी आ रहा है मुस्लिम समाज का, इन सभी त्योहारों को देखते हुए जमावड़े और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए, और इसके अलावा कोटा में जो 5-6 मौतें धुलंडे के दिन नहरों में डूबने से हुई थी, और फिलहाल एसपी ने आदेश जारी कर रखा है कि नहर के किनारे, नदी के किनारे या उसके अंदर कोई नहाता मिलता है तो उसके खिलाफ भी निरोधात्मक एक्शन होगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा और इस पूरे मामले में एसएचओ पाबंद किया जाएगा। तो ये भी निषेधाज्ञा लगाने का एक कारण है। लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल आज मेगा कोटा में एक चंडी मार्च निकाल रहे हैं, उनकी समर्थित जो महिलाएं हैं वो मार्च निकाल रही है। उनका ऐसा कहना है कि इसी मार्च को नियंत्रित करने के लिए और एक तरह से विफल करने के लिए ये निषेधाज्ञा लागू की गई, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर इसे इनकार किया है और उन्होंने बहुत से कारण जो मैंने आपको गिनाए हैं वो कारण निषेधाज्ञा लगाने के पीछे बताए। शुक्रिया भंवर जानकारी के लिए।